अच्छा भाई लोगों ये बताओ सुपर ओवर में कितनी बॉलें होती है, एक ओवर में कितनी बॉल होती है? छह बॉलें। इस सुपर ओवर में आपको मैं बताऊंगा छह कहानियों के बारे में, छह कहानियां सुपर ओवर। इस सुपर ओवर की जो पहली कहानी है ना, जो पहली गेंद जो मैं डाल रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको शुभमन गिल के बारे में। गिल ने ना इंडिया ए के लिए खेलते हुए न्यूजीलैंड अभी गए थे, वो गए हुए थे, तो उन्होंने बनाया दोहरा शतक, 200 बनाया उन्होंने। पता आपको इस 200 के बारे में? पता आपको इस बारे में? भाई ये खिलाड़ी बड़ा मजेदार है, ये मतलब 20 साल का ही है मुश्किल से खिलाड़ी, और ये कई दोहरे शतक चढ़ चुका है। मतलब इनका पहला नहीं है, इससे पहले भी डबल सेंचुरीज बना चुके हैं, और इन डबल सेंचुरीज के चलते नॉट दैट कि वो पहले टेस्टिंग में नहीं थे, पहले भी थे टेस्टिंग में, इंडिया में भी थे, और अब भी वो टेस्टिंग में रहने वाले हैं। तो उम्मीद ये है, देखिए मयंक अग्रवाल के साथ ओपन कौन करने वाला है, ये चॉइस रहेगी पृथ्वी शॉ या शुभमन गिल। शुभमन गिल को टीम तैयार कर रही है बतौर तीसरा ओपनर। सही है गलत है? सही है। चलो भाई सही है, केएल राहुल उनको पसंद नहीं है, तो शुभमन गिल, पृथ्वी शॉ, मयंक अग्रवाल, ये तीन ओपनर रहने वाले हैं। शुभमन गिल डबल सेंचुरी पहली बार। अब मैं आपको बता दूं दूसरी मेरी जो कहानी, दूसरी बॉल। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में वहाँ पे बहुत आग लगी, वो बुश फायर लगी ना, हाँ वो जंगल में जो आग लगी ना, उस जंगल में आग के चलते अपेरेंटली ऑलमोस्ट अ बिलियन, मतलब बिलियन में कितने जीरो होते हैं वो मुझे पता नहीं है, उतने जानवर जो है वो उसमें मर गए। तो ये एक बहुत दर्दनाक खबर थी, बहुत जान माल का नुकसान हुआ है, बहुत लोग डिस्प्लेस हुए हैं, और उसकी वजह से बुश फायर रिलीफ में मैचेस खेले जा रहे हैं। उन मैच में पुराने जितने ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं वो खेलने वाले हैं, युवराज सिंह वहाँ खेलने जाने वाले हैं, और सचिन तेंदुलकर भी जा रहे हैं। पता आपको क्या करने जा रहे हैं? बताओ। नहीं, वो खेलने नहीं जा रहे हैं, वो ऑस्ट्रेलियन टीम के कोच बनने जा रहे हैं। तो वो कोच बनेंगे वहाँ पर, यानी कि सचिन तेंदुलकर विल बी कोचिंग एन ऑस्ट्रेलियन टीम इन द बुश फायर रिलीफ मैच। हाँ, ये तीसरी मेरी जो बॉल है वो बॉल है सीएसई के बारे में। सुना आपने? एक ये क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब कमेटी एक बनाई जाती है, जो पहले थी उसमें पता कौन कौन थे? तीन लोग थे, वीवीएस लक्ष्मण थे उसमें सौरव गांगुली थे, और उसमें सचिन तेंदुलकर थे। तो अब उस जो नई एक कमेटी बनाई गई है, उसका गठन किया गया है, उसमें मेरे मित्र आरपी सिंह हैं, उसमें आरपी सिंह है, उसमें मदन लाल भी हैं, उसमें एक फीमेल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में सुलक्षणा जी भी हैं। तो फिर ये तीन लोग अब ये सेलेक्टर्स का भी चयन जो करना होता है, जो कोच का चयन करना होता है, ये सारे काम इनको दिए जाते हैं। तो एक साल के लिए अब एक नई सीएसी बनाई गई है। ऑफ कोर्स इसमें वो पुराने लोग नहीं हैं, उन्होंने तो इस्तीफा ही दे दिया था एक्चुअली, क्योंकि दे वर नॉट वेरी हैप्पी। लेकिन अब सौरभ क्योंकि प्रेजिडेंट है, पता ना दादा प्रेजिडेंट है, दादा प्रेजिडेंट है, उनकी प्रेजिडेंटशिप में एक नई सीएसी का गठन हुआ है, और अपना दोस्त आरपी उसका हिस्सा है। चौथी गेंद मनकटिंग के बारे में सुना है? क्या होता है मनकटिंग बताओ? जोर से बोलो, आवाज़ नहीं आएगी वहाँ से। हाँ सर, वहाँ बताओ क्या है? नहीं पता। मनकटिंग के बारे में पता है क्या होता है? नहीं है क्या? मैं बताता हूँ, देखो ऐसा है, वीनू मंकट साहब थे इंडिया के बहुत बढ़िया प्लेयर, एक बार उन्होंने वो नॉन स्ट्राइकर एंड पे बैट्समैन जो रहता ना उसको रन आउट कर दिया था। तो तब से इस हालांकि बैट्समैन का नाम ब्राउन था, लेकिन चूंकि मंकट साहब ने काम किया तो उसको मनकटिंग कहने लगते हैं। गलत है वैसे, लेकिन कह रहे हैं भैया। तो अभी क्या हुआ है, इसमें अब नया रूल बन गया है कि आपको किसी को वॉर्न करने की ज़रूरत नहीं, आप किसी को मत बोलो भाई मेरा तो आगे जा रहा है, रुक जा यार, आप कहते हैं आप सीधा आओ, आउट कर दो, अगर भारत आओ। तो ऐसा हुआ ये कि अभी अंडर 19 वर्ल्ड कप की कहानी है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मैच था, एक क्वार्टर फाइनल मैच था, इसमें अफगानिस्तान थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था, विकेट चटकानी थी, हमारा बॉलर भाग के आया, उसे पीछे से ऐसे करके आउट कर, बल्लेबाज जो था वो क्रीज से बाहर था, आउट हो गया। इतना बवाल हुआ उसके ऊपर कि सही है गलत है, मत करो, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, भाई इनकी ओपिनियन नहीं करना चाहिए, ये इन्होंने भी सोचा नहीं क्या करना चाहिए। लेकिन मनकटिंग जो है वो दोबारा चर्चा का विषय बन चुकी है, और इसमें इस बार अंडर 19 के खिलाड़ी भी इन्वॉल्व हो गए हैं। व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट इट, इज इट फेयर, इज इट अनफेयर? पांचवी गेंद यानी कि हमारी पांचवी स्टोरी मैं आपको बताने वाला हूँ कि साउथ अफ्रीका, आपको पता है पाकिस्तान जाने वाली है, मालूम है आपको? अरे क्या बात है, आपको पता है वैसे पाकिस्तान में बहुत समय तक तो कोई टीम नहीं जा रही थी,
मालूम है? नहीं जा रही थी, नहीं जा रही थी ना, बहुत टाइम तक नहीं जा रही थी, लेकिन अब जाना शुरू किया है। अभी श्रीलंका गई, अभी बांग्लादेश वहाँ पर गई, और अब साउथ अफ्रीका भी कंसिडर कर रही है कि हमें वहाँ जाना है। लेकिन आपको अच्छा ये बात पता है कि ए बी डिविलियर्स भी हो सकता है वापस आ जाए। हाँ, ये अगर वो वापस आ जाएंगे क्या वो पाकिस्तान जाएंगे, क्योंकि PSL खेलने तो पाकिस्तान गए नहीं थे, तो फिर ये बड़े सवाल रहेंगे। बट देन क्रिकेट रिटर्निंग टू पाकिस्तान इज़ अ ग्रेट स्टोरी, मुझे बहुत अच्छा लगता है पाकिस्तान में क्रिकेट हो, मैं बड़ा अच्छा, मैं दिल खुश हो जाता है। शोएबी, दिस फॉर यू ब्रदर, खेलो खेलो, बड़ा मजा आएगा। छठी ये यानी कि छठी स्टोरी, आपको ये पता है कि अमेरिका क्रिकेट खेलती है? नहीं खेलती ना? खेलती है यार, खेलना शुरू कर रहे हैं वो, बता रहा हूँ आपको। अभी ना वो इंडिया भी आए हुए थे बाय द वे, लेकिन वो नेपाल में, उनकी एक नेपाल में ना वो ट्राई नेशन सीरीज है, वहाँ खेलने जा रहे थे। और लेकिन अभी क्या हुआ, इनकी कहानी हुई कि इनके जो जेम्स पेमेंट जो है, जो मुंबई इंडियंस के भी कोच है ना, फील्डिंग कोच, वो इनके हेड कोच हैं। तो इन्होंने एक मीटिंग कराई थी कि भाई टीम आएगी, मिलेगी, बात करेंगे। वहाँ पर खिलाड़ी जो है वो दारू पी के पहुँच गए यार। एक तो स्टीवन टेलर थे, एक मोनांग पटेल थे, ये बिल्कुल दारू पी के वहाँ पहुँचे और थोड़ी सी गहमा गहमी हुई, गुत्थम गुत्था हुई। और पेमेंट जो थे जेम्स पेमेंट, वो बिल्कुल खुश नहीं हुए इस बात से, भैया देखो दारू वारू पीनी है शाम को पी लो, पर जब टीम मीटिंग के लिए आओ, मैच के लिए आओ, प्रैक्टिस के लिए आओ, एटलीस्ट कम सोबर यार, टर्न अप सोबर, मतलब थोड़ा सोचो इस बारे में। क्योंकि ना वैसे क्या होता है कि ये जो USA वगैरह के क्रिकेटर्स होते हैं ना, एमेचर्स होते हैं, ये एमेचर्स हैं, ये प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन जब क्रिकेट खेलो थोड़ा प्रोफेशनली खेलो यार, थोड़ा सा रिस्पेक्ट करो। तो भाई हमारी तो यही गुजारिश है, आप ये बताओ ये जो छः कहानियाँ लगी, मेरा जो सुपर ओवर था, अब इसमें भी दोबारा सुपर ओवर खेला जाएगा कि यहाँ पे जीत मिल गई हमें? जीत मिल गई भैया, इन्होंने आपकी आवाज़ इनकी सुनाई दी, मैं कह रहा हूँ जीत मिल गई, अपना काम हो गया, मैं चलता हूँ। आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, नोटिफिकेशन घंटी बजा दो। टाटा।